जय भीम साथियों, ये वीडियो खास तौर पर मैं अपने बहुजन नौजवानों के लिए लेकर आया हूँ। जो मेरे युवा साथी हैं उनके लिए ये वीडियो मैं खास तौर पर एक अपील की तरह लेकर आया हूँ। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी युवा साथी हैं उनके साथ इसको साझा करें। आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस खबर को लेकर पूरे देश में राममय माहौल बना दिया गया है। खासकर जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं या जो कथित ऊंची जाति के लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाला बताते हैं, यानी हिंदूवादी पार्टियों और लोगों की तरफ से पूरा देश को, पूरे देश को हमारे राममय बनाने की कोशिश हो रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप चलिए राम मंदिर उद्घाटन में चलिए। लोगों को कलश बांटे जा रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं और तरह तरह से उनको अयोध्या ले जाने की तैयारी की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में दलितों को भी राम मंदिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी खास तौर पर जो दलित लोग हैं उनके घरों में निमंत्रण भेज रही है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में एक रोड शो किया तो वो एक दलित महिला के घर गए चाय पी और अपने आप को दलित हितैषी दिखाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें दिखा दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दलित वंचित जातियों का ख्याल रख रहे हैं। अब ऐसे में जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो हमारे बहुजन साथियों को चिढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई इस तरह की टिप्पणियां मैंने सोशल मीडिया पर देखी जो कि अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज के ऐसे लोगों को जो कि अपने महानायक और महानायिकाओं से प्रेरित होते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, माता रमाई, पेरियार साहेब, मान्यवर कांशीराम साहेब, इस तरह के जो हमारे विचारक लोग हैं उनके विचारों से ही आगे बढ़ने की कोशिश हमारे समाज के जो लोग करते हैं, खासकर युवा, उनको चिढ़ाने वाले पोस्ट और कमेंट भी सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं कि देखो हमने मंदिर वहीं बना लिया। मीडिया भी इसमें पूरी भूमिका निभा रहा है और एक तरफा रिपोर्टिंग की जा रही है। आप सब जानते हैं जैसा वो माहौल बना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश है। इसलिए हमें यहाँ पर सावधान भी रहना होगा। खास तौर पर जो मेरे बहुजन समाज के नौजवान हैं उनसे मेरी अपील है। अपील क्या है? ये है कि जो भी इस समय राम मंदिर पर सियासत चल रही है, अयोध्या में जो राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, उस पर आप जब टिप्पणी करें, उस पर जब आप सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट करें, फेसबुक पर कोई पोस्ट करें या इंस्टाग्राम पर कोई रील बनाएं, यूट्यूब पर कोई वीडियो एनालिसिस करें या वीडियो अपलोड करें, उन सब से मेरी अपील है कि आप जब ऐसा करें तो आप सावधान रहें। आप अपनी भाषा का ख्याल रखें। आपकी भाषा अपमानजनक नहीं होनी चाहिए और गैर कानूनी शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कुछ लोग इस समय मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपने विरोधियों को ठिकाने पर लगाएं, कैसे उनको मौका मिले जिससे वो हमारे लोगों को परेशान कर सकें। इसलिए मेरी सभी कंटेंट क्रिएटर से, यूट्यूबर से, जर्नलिस्ट से अपील है कि जब भी आप इस तरह की कोई पोस्ट करें या वीडियो बनाएं तो अपनी भाषा का ख्याल रखें, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, शब्दों का चयन सही हो, कोई गैरकानूनी शब्द का इस्तेमाल ना करें और जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कानून है उसकी जद में भी ना आए, यानी उसके प्रभाव से बचें। ऐसा कोई ट्वीट, पोस्ट या वीडियो ना बनाएं जिससे आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने उनकी कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं का, जो कि छुई मुई सी भावनाएं हैं, जरा सी बात पे वो आहत हो जाती हैं, उनको आहत किया है। क्योंकि आपको अगर उन्होंने पुलिस केस में फंसा दिया, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया, तो आपका समय खराब होगा, आपका पैसा खराब होगा और आप सब जानते हैं हमारे पास लोगों को बचाने के लिए कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती, बहुत अच्छे वकील नहीं हैं, हमारे लोग जज नहीं हैं, पुलिस में हमारे लोग जो हैं उस तरह से नहीं हैं जो हमारी FIR लिखने में मदद करेंगे या जज हमारी जाति देख के जमानत दे देगा। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी। इसलिए मेरी अपील है कि बेवजह किसी पचड़े में ना पड़ें। खासकर जो नौजवान साथी हैं जो इस समय स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किसी तरह की डिग्री कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन साथियों से मेरी अपील है कि इस समय जो भी लिखें सोच समझ कर लिखें,
हम इस बात को जानते हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी राजनीति कर रही है, आरएसएस अपनी पूरी राजनीति कर रहा है और इसको एक चुनावी एजेंडे की तरह पेश कर रहा है ताकि वो चुनाव में इसका फ़ायदा ले सके। इसीलिए चुनाव से ऐन पहले उन्होंने आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन की तैयारी भी कर ली है। लेकिन इन सब के बावजूद हमको थोड़ा सावधान रहना है कि अगर वो हमें चिढ़ाते हैं तब भी हमें उकसावे में नहीं आना है, हमें सही तरीके से ही अपनी बात रखनी है। अगर हम अयोध्या के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं तो तथ्यात्मक रूप से सही होना चाहिए, यानी कि हम कोई गलत जानकारी ना दें, कोई फैक्ट ऐसे ना दे दें जिससे कि फेक न्यूज़ को फैलाने का आरोप हमारे ऊपर लगे। आप अगर कोई खबर बता रहे हैं अयोध्या से जुड़ी हुई तो उसके तथ्यात्मक तौर पर पुष्टि होने के बाद, यानी कि फैक्ट चेक होने के बाद ही आप उसको पेश करें। हवा हवाई बातें या किसी के कह देने भर से बातों को आप कोट ना करें, ट्वीट ना करें, आप उसकी पड़ताल करें और फिर उसको आगे बढ़ाएं तो फेक न्यूज़ की कैटेगरी से आप बच पाएंगे। सही रिपोर्टिंग, सही फैक्ट, सही बातें ही आप बताएं, क्योंकि इस समय लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि कैसे जो भी इस तरह की बातें करें, और ख़ासकर आप जानते हैं दलित बहुजन वंचित वर्ग के लोग निशाने पर रहते हैं, उनके ऊपर ईडी छापा नहीं मार सकती क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास है नहीं, कोई वित्तीय लेन देन में गड़बड़ियाँ हैं नहीं, तो फिर क्या तरीके बचते हैं कि इनको फंसा दो, कह दो कि हमारी छुई मुई से जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होगी, कोई परिभाषा उसकी ना हो, लेकिन वो कानून के दांव पेच लगाकर उसको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे जो बहुजन समाज के युवा हैं उनमें काफ़ी गुस्सा भी इस बात को लेकर है कि कैसे जो कि साकेत बौद्ध नगरी था उसको अब अयोध्या में, चाहे वो कानूनी तौर पर ही हो, लेकिन उसको राम नगरी बनाकर पेश किया गया, जबकि जो बौद्ध लोग हैं उनका दावा है कि ये बौद्ध नगरी थी, साकेत बौद्ध नगरी थी और यहाँ बौद्धों का ही यहाँ पर शासन था, वही लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन उस दावे को खारिज किया गया और वो जो जन्मभूमि की जो ज़मीन है उसके नाम पर वो हिंदुओं को दे दी, बाबरी मस्जिद को अलग जगह दे दी गई और मुसलमानों का, बौद्धों का दावा खारिज कर दिया गया। उसके बाद जिन्होंने फैसला सुनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो रंजन गोगोई थे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। ये राजनीति अपनी जगह है, जुडिशरी पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो गुस्सा लोगों में है, जब लोग लिखते हैं, बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो वो गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे जो रोज़गार की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ख़राब ना हो, उनकी नौकरी पेशे की चीज़ें ख़राब ना हो, जो हमारे कर्मचारी जो कई नौकरियों में हैं इस समय उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आरोप ना लगे, सही भाषा में वो बात बोलें, सही तरीके से लिखें, और आप देखिए कि उनकी लकीर को आपको छोटा करने की जगह आपको अपनी लकीर को बड़ा बनाना चाहिए, यानी हमें अपने लोगों के बारे में, अपने नायक नायिकाओं के विचारों के बारे में बात करनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी लकीर बड़ी हो, उनकी निंदा में, आलोचना में हम इतने ना फंसे रहें कि हमारा समय, हमारी एनर्जी सारी आलोचना में ही निकल जाए। हमें सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए कि हमारा बहुजन समाज का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इस समय आप देखें कि जैसे किसी हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्व की बातें होती हैं, मीडिया हो, प्रचार तंत्र हो, सरकार हो, तमाम सब के सब लोग मिलके इस समय देश में हिंदुत्ववादी माहौल बना रहे हैं, और ये जो कथित तौर पर ऐलान किया जाता है जिसमें बीजेपी आरएसएस के कई लोग हैं जिन्होंने ये खुलेआम ऐलान किया कि जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राम राज आना चाहिए, तो राम राज में जिस तरह से जो वाल्मीकि रामायण में शंबुक वध की घटना है कि शंबुक को कैसे मार डाला गया था, आप देखें कि घेर के साजिश करके इस तरह से हमारे लोग ना शिकार हों, कहानी कथाओं में तो उन्होंने अपने किया ही है, लेकिन हकीकत में हमारे बच्चे, हमारे लोग उसका शिकार ना हों। इसलिए मेरी अपने अपील है अपने बहुजन समाज के युवाओं से, यूथ से, कि आप जब लिखें, बोलें, पढ़ें तो सोच समझकर बोलें, सही तरीके से बात लिखें, भावनाओं में बह के, आवेश में आके, किसी के उकसाने से आप परेशान होकर कुछ ऐसा लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है,
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर में एंट्री के लिए आंदोलन किया, उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि हम बराबर हैं। उन्होंने अछूतों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए मंदिर का आंदोलन किया। लेकिन उसके बाद आप देखें, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं किया, सिर्फ प्रतीकात्मक था कि उन्हें उस समय ये दिखाना था कि देखो हमारे लोगों को एंट्री नहीं देते हैं, अब हम अपनी बराबरी की अधिकार मांगेंगे सब चीज़ों के लिए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी में कभी मंदिर का आंदोलन नहीं करते। हमें उनसे सबक लेना चाहिए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कह के गए हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ, हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और उन्होंने अंत में तथागत बुद्ध की दीक्षा ली और वो उनकी शरण में गए, बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। और जो अभी माहौल बनाया जा रहा है ना, हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ऐलान किए जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, उसी हिंदू राष्ट्र पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, अपनी जो उनकी किताब है उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म लोकतंत्र और समानता के साथ मेल नहीं खाता। किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को रोकना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल के गए हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? गले में हांडी, पीछे झाड़ू, कलम छीन के हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाए, ये व्यवस्था। इसी को हम रामराज कहते हैं, इसी को हम उस तरह की हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। तो हम कैसे लोगों के वंशज हैं? हम शाहू महाराज जैसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अपने राज में सबको बराबरी दी। हम संत रविदास के चाहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी एक ऐसे बेगमपुरा की कल्पना संत रविदास करते हैं जहां सब लोग बराबरी से रहें, जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो। तो हम ऐसे समाज के वारिस हैं, हम ऐसे समाज के विचारों को मानने वाले लोगों की हैं। हम ऐसा रामराज, हम ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते जहां चंद जातियों को सारे अधिकार मिले और हमारे लोगों को वंचित कर दिया जाए उनकी तरक्की से, उनके अधिकार से। तो हमें इससे भी सावधान रहना है कि जो माहौल इस समय हो रहा है, कि हमको वो कहें कि चलो मंदिर चलो, तो हम बोलेंगे नहीं, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं, हमारी लड़ाई स्कूल और कॉलेज की है। मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं, स्कूल और कॉलेज की है। शिक्षा से ही हमारी जो है तरक्की होगी, उसी से हमारा बेड़ा पार होगा। धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें किसी भी साजिश का शिकार नहीं होना है। हमें ना उनके राम मंदिर में जाना है, ना किसी की मस्जिद में जाना है, ना हमें उसके नाम पर कोई नारेबाजी करनी है, ना कोई ऐसे काम करना है जिससे हमारा करियर, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा परिवार परेशान हो। क्योंकि इस बुलडोजर के राज में जहां चुन चुन कर हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोगों के घर गिरा दिए जाएंगे, उनको परेशान कर दिया जाएगा, बचाने वाले लोग नहीं आएंगे। तो इससे हमें सावधान रहना कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के राज में यकीन करने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो, जिसके ऊपर हमारी कोई कॉलर पकड़ ले। तो मेरे अपने नौजवान साथियों से अपील है कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, बहुत अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम आप हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, ये एक दौर है। इस समय हम इस दौर से भी आगे निकलेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जोश में होश ना खोएं। मेरी बहुत अपील है अपने साथियों से, नौजवान यूथ साथियों से, कि जोश में होश ना खोएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपनी बात को, मिशन को, मिशनरी कारवां को, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब की किताबें पढ़िए, उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए, नायक नायिकाओं के जीवन को पढ़िए, उनसे सीखिए, और कैसे हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं इस तरफ सोचिए, कुछ सकारात्मक काम सोचिए। नकारात्मकता में, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अपना समय, एनर्जी, रिसोर्सेज खराब ना करें, सावधान रहें, इनकी साजिश का शिकार ना हों। इसलिए आप सबसे मेरी ये एक अपील है जिसको मैं चाह रहा था कि हमारे जो यूथ है उस तक पहुँचे, क्योंकि हमारे जो यूथ है उनकी मुझे बड़ी चिंता रहती है कि हमारे लोगों में गुस्सा भी, और गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि इतनी ख़राब चीज़ें हमारे लोगों के साथ होती हैं, तो गुस्सा आपको भी आता है, मुझे भी आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें
फिर भी सावधान रहना है, हमें भविष्य की तरफ देखना है। आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों के साथ भी ये बातचीत पहुंचे, उनको पता चले कि क्या ज़रूरी है और किन चीज़ों से वो सावधान रह सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब जानते हैं मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।